आज हम बना रहे हैं एक बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी सब्जी जिसमें उपयोग करेंगे हम तीसी का। तो तीसी बहुत ही हेल्दी है और इसके बारे में मैंने पहले अपने वीडियोस में बता दिया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तीसी एक गुण अनेक और तीसी की चटनी। तो लौकी खुद में ही बहुत हेल्दी है, बस उसमें हम डाल देंगे तीसी जो और भी हेल्दी है। कुल मिला के सब्जी बहुत हेल्दी बनने वाली है। अब हम काट लेते हैं एक लौकी जो करीब 1 किलो की है। इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में बना लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल खान पान और पकवान। तो अभी हम रोस्ट कर लेते हैं 4 चम्मच तीसी। तीसी जब रोस्ट होने लगेगी तो उसमें इस तरह से क्रैकलिंग साउंड सुनाई देने लगेगा, ये देखिए। और तीसी रोस्ट हो तो उसे हमेशा ढक के रोस्ट करना चाहिए, वरना ये काफ़ी उड़ने लगती है और चेहरे पे या हाथ मुंह में भी लग सकती है, इसलिए इसे हमेशा ढक के, ये देखिए। तीसी रोस्ट हो गई है, अब इसको निकाल लेते हैं। अब इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे। तब तक हम चढ़ा लेंगे कुकर और इसमें डाल देते हैं 2 चम्मच तेल। मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ सरसों का तेल, आप चाहे तो जो भी खाद्य तेल आप यूज़ करते हैं आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तेल गर्म हो चुका है कि अब जाएगा एक और हेल्दी चीज़ जो है ये 5 फ़ोरन। इसके बनाने का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लिंक देख लीजिएगा। यह है 5 फ़ोरन, 5 सीड्स को इस्तेमाल करके बनता है, तो ये भी बहुत ही हेल्दी है। तो ओवरऑल इस सब्ज़ी में जो भी चीज़ हम डाल रहे हैं बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही लाभकारी। हर सीड्स का हमारे इंडियन खाने में एक अलग महत्व है। अब इसमें डाल देते हैं 2 हरी मिर्च जिसको मैंने बीच से स्लिट किया है और इसकी स्टेम को अलग नहीं किया है। मुझे बहुत तीखा नहीं चाहिए, अगर आपको आप बहुत तीखा खाते हैं तो इसको कट करके छोटे छोटे पीसेस में भी डाल सकते हैं। अब इसमें डाल रही हूँ मैं 1 चुटकी हींग। डाल देंगे इसमें कटे हुए लौकी। 2-4 मिनट सब्जी को भुनने देंगे, लौकी को भुनने देंगे ऐसे। ये बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी सब्जी है क्योंकि इसमें डाल रहे हैं हम एक तो लौकी जो खुद में ही एक हेल्दी सब्जी है, प्लस इसमें डाल रहे हैं तीसी जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भरपूर मात्रा में है। अगर लौकी बहुत ही फ्रेश हो और बहुत अच्छी हो तो आप उसको कढ़ाई में भी बना सकते हैं। मैं इसे बना रही हूँ लेकिन कुकर में। अगर लौकी ऐसी है कि आप बस तोड़कर अपने खेत से ला रहे हो या अपने टेरेस गार्डन से ला रहे हो, मैंने बहुत सारी सब्जियां अपने टेरेस गार्डन से तोड़कर भी बनाई है, मैं उसकी भी रेसिपीज शेयर करूंगी। तो अगर आप अपने टेरेस गार्डन से कुछ सब्जी तोड़कर ला रहे हैं फ्रेश, तो उसे कढ़ाई में भी बना लेते हैं, बहुत ही बढ़िया और स्वादिष्ट बनती है। तब तक ये तीसी ठंडी हो गई है तो इसको हम कोसली ग्राउंड कर लेते हैं, दरदरा पीस लेते हैं। इस तरह से सब्जी को पकाते पकाते कम फ्लेम में हो गए हैं 4 से 5 मिनट। अब इसमें डाल देते हैं हल्दी, स्वाद के अनुसार नमक, अमचूर पाउडर, लाल मिर्च पाउडर अगर आप चाहें तो, और डाल देते हैं कटे हुए टमाटर। इसे फिर भुनना है 4-5 मिनट के लिए और इसे रख देते हैं। तो अब हो गए हैं करीब 5 मिनट और इसे पकते पकते, तो अब क्या करेंगे एक बार और चलाकर कुकर को बंद कर देंगे। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है क्योंकि लौकी खुद ब खुद बहुत पानी छोड़ता है। कुकर को बंद कर देते हैं और इसमें अब 2 विसल आने देते हैं। अब हो गया 1 विसल, गैस को थोड़ा कम कर देते हैं और 1 और विसल आने देते हैं। अब हो गए हैं 2 विसल, गैस को बंद करते हैं और इसे ठंडा होने का वेट करते हैं। अब कुकर को खोल के देखते हैं कि लौकी की क्या कंडीशन है। लौकी गल गई है, अगर आपको इस और भी गली लौकी चाहिए और भी गलानी तो आप इसको और 1 विसल लगा सकते हैं। इसमें ऑलरेडी थोड़ा पानी दिख रहा होगा, थोड़ा पानी रहने देना है इसमें। अब देखिए ये जो कोसली ग्राउंड तीसी है 4 चम्मच लिए मैंने, इसमें डाल देते हैं। अब जो पानी इसमें एक्स्ट्रा है वो तीसी सोख लेगी, इसलिए आपको पानी की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही हेल्दी सब्जी है। अब इसे गार्निश कर लेते हैं धनिया पत्ती से। एक बहुत ही हेल्दी सब्जी लौकी और तीसी की तैयार है और ये बहुत टेस्टी भी है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए
तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर मिलूंगी अगली बार एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ, एक हेल्दी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।